हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12th स्टेटिस्टिक्स में हमने जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज, उसमें हमने ऑलमोस्ट जो 4 एग्जांपल जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड के, वो हमने कंप्लीट किए थे, जिसमें हमको बी फाइंड करना था। उसके बाद हम ए फाइंड करके उसका जो इक्वेशन फॉर ट्रेंड के वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी टी, तो वो हम फाइंड करते थे और उसके हिसाब से हमको जो टी की वैल्यू दी गई थी उसके हिसाब से हम सारी कैलकुलेशंस हमारी है वो करते थे। तो वो कैलकुलेशन करने के लिए और भी हमारे हम 2-3 सम्स जब करेंगे तब हम इस सब का इसका इस चीज़ों का हमको ज़्यादा आइडिया आएगा। टेक्स्ट बुक का सम नंबर 5 है, हमने 4 सम्स कर लिए हैं, सम नंबर 5 है कि द डेटा ऑफ द पॉपुलेशन इन लैक ऑफ अ तालुका आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फिट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द डेटा एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ ईच ईयर। ट्रेंड वैल्यू ईच ईयर की फाइंड करनी है हमको इसमें। ऑल्सो फाइंड द ट्रेंड एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन इन द ईयर 2020-21 की हमको पॉपुलेशन में पॉपुलेशन हमको एस्टिमेट करनी है और ट्रेंड वैल्यू सारी हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे द डेटा अबाउट पॉपुलेशन आर गिवन विद एसोसिएटेड विद ईच डिकेड, वी विल टेक द इक्वल्स टू 1, 2, 3 और 7 और एन इक्वल्स टू 7। तो ये हमारे पास ईयर की जो वैल्यूज़ है 1951 से 2011 तक, तो ये टोटल हमारा है 7, तो एन हमारा 7। पॉपुलेशन इन लैक वाई, तो यहाँ पे पॉपुलेशन दी गई है तो वाई है हमारे पास ये 15 to 27.1, तो इसका टोटल होगा 145.2। टी हमारे पास हमने वो देखा कि 1 to 7 यहाँ पे ले लिया है, उसका टोटल 28। वाई का हमने जो वैल्यू दी गई थी उसका टोटल कर लिया है। इसके हिसाब से हम टी बार और वाई बार फाइंड करेंगे, तो टी वाई बार फाइंड करने के लिए हमारे पास सिग्मा वाई 145.2 है और टी हमारे पास टी बार हमारे पास 4 है, तो वो हम आसानी से फाइंड कर सकेंगे। और अब हमको क्या करना है, टी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमको बी में टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हमारे टेबल में हमको टी स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर का जो कॉलम है वो ऐड करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 का 49। टी स्क्वायर का टोटल हमको करना है 140। टी वाई जो है टी इंटू वाई, तो 15.1 × 1, 15.1, इस तरह से इन दोनों का हमको टोटल मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे हमको लिखना है, ठीक है। वो हमने किया, टी वाई मिला हमको 36.3। अब हमको सारे ईयर की ट्रेंड वैल्यू चाहिए, तो वाई कैप का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है कि ए प्लस बी टी, लेकिन सबसे पहले हमको क्या चाहिए, बी चाहिए। तो बी का फॉर्मूला है एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन सिग्मा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर। तो अब इसी तरीके से हमारे पास सिग्मा टी वाई है, सिग्मा टी वाई है हमारे पास ये वैल्यू माइनस सिग्मा टी 28, ये हमने फाइंड किया था। सिग्मा वाई है 145.2 डिवाइडेड बाई 7 × 140 माइनस 28 का स्क्वायर। इस तरीके से हमको बी मिला 2.02। फिर ए मिला वाई बार माइनस बी टी बार, वाई बार माइनस बी टी बार मिला हमको, तो 20.74 − 2.02 × 4, तो ये वैल्यूज़ हमको मिली। तो 20.74 − 8.08 इसकी हमको वैल्यू मिली 12.66, तो ए की हमको वैल्यू मिली 12.66। इक्वेशन फॉर ट्रेंड है हमारा कि वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी टी, तो वाई कैप हमारा ए प्लस बी टी, तो 12.66 + 2.02 टी हमारे पास ये जो है वो वाई इक्वेशन ऑफ ट्रेंड हमको मिल गया है। तो हमारे पास ट्रेंड की, हमारे पास टी की सारी वैल्यूज़ हैं, वो हमको पुट करके इस तरीके से टी में मल्टीप्लिकेशन करके लिख देनी है। टी की जगह पे हमको यहाँ पे 1 से × 1 करना है टी, यहाँ पे 2 टी, यहाँ पे 3 टी, और इस तरीके से इस इक्वेशन में हमको इसकी वैल्यूज़ डाल देनी है। तो इस तरीके से हमने जब वैल्यूज़ डाली तो ये सारी वैल्यूज़ हमको वाई कैप की मिली है,
और लास्ट में हमको बोला है कि 2021 की हमको पॉपुलेशन फाइंड करनी है, तो वी टेक हमने वो आगे किया। अब वाई कैप जो है वो इसका जो ट्रेंड है वो सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है, तो वी टेक टी इक्वल्स टू 8 फॉर द ईयर 2020-21। टी हमको 8 लेना है, तो क्या होगा 12.66 इंटू 2.02 इंटू 8, तो हमको जो वाई कैप है वो 82 लाख मिला। वो जो है वो एस्टिमेट ट्रेंड द वैल्यू फॉर पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2020-21 इस 28.32 लाख है, वो हमको वैल्यू मिल गई है। तो इस तरीके से हमने ये सम भी किया। ऐसे जो सम्स हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, सिर्फ ट्रेंड फाइंड करना होता है, इसलिए बहुत ही इजी तरीके से ये सम्स करने होते हैं, ठीक है। तो हमने ये सम भी आज कंप्लीट किया है। आपको होम असाइनमेंट में इसके रिलेटेड सम है आपकी एक्सरसाइज 4.2 में, तो 4.2 में आपका जो थर्ड सम है वो आपको करना है, 4.2 में फोर्थ सम करना है, और आपकी एक्सरसाइज जो है 181 पेज नंबर पे, वहाँ पे आपको जो सेक्शन ई है उसमें से सेक्शन ई का फर्स्ट सम और सेकंड सम जो है वो आपको दोनों सम सॉल्व करने हैं, और उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट सम करेंगे, तब उसके बाद हम दूसरे जो सारे सम्स हैं वो आपको होम असाइनमेंट में करने होंगे। तो आज आपको ये तीन तीन सम जो है वो होमवर्क में करने हैं। थैंक यू।